ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की बताई असली वजह, बोले सीएम पद के लिए राहुल गांधी के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दोनों ही दलों ने बागी हुए नेताओं को चुनाव से नाम वापस लेने पर इनाम भी देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के चुनाव सभी सीटों पर एक चरण 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव में महज कुछ दिन बाकी है, ऐसे में प्रदेश की सभी सीटों पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जहां उन्होंने पहली बार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई है। दरअसल साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उनके खेमे के 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे कमलनाथ की अगुवाही कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इसके बाद सिंधिया समर्थक विधायकों बीजेपी का समर्थन देने का फैसला किया और डेढ़ साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश की सत्ता में वापसी हुई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में जाने की पूरी वजह बताई। एक इंटरव्यू में सिंधिया ने कहा कि जब कांग्रेस ने साल 2018 में मध्य प्रदेश में जीत हासिल की, तो उस समय वे कभी राहुल गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं अड़े और न ही वह कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। सीएम के लिए कमलनाथ के नाम का नहीं किया विरोध। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, राहुल गांधी ने जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुख्यमंत्री के पद के लिए कमलनाथ के नाम का ऐलान भी मैं नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में रहते हुए ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिसके लिए उन्हें मानना पड़ता। इसकी वजह यह है कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल ही नहीं था। सिंधिया ने इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली और कमलनाथ ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए लगातार चैलेंज किया, तो फिर उन्हें भी कड़े फैसले लेने पड़े। कुर्सी के लिए नहीं की राजनीति। इस इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता और दादी का जिक्र करते हुए कहा, मेरी आजी अम्बा विराजे सिंधिया और मेरे पिता माधव राव सिंधिया सहित मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कुर्सी के लिए कभी राजनीति नहीं की। इन सभी लोगों ने हमेशा जनसेवा की भावना के साथ राजनीति की। साल 2019 लोकसभा में गुना शिवपुरी सीट से हार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं रही, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूं। मैं खुद की कमी को स्वीकार करता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उसके बाद उन्होंने जनता के बीच बहुत काम किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले पर सिंधिया ने ये कहा, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल घोटालों का आरोप लगाते रहे। इस पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जांच में तथ्य क्या सामने आए हैं ये ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये अनियमितता का मामला हो सकता है। इस मामले में जांच के बाद संबंधित अधिकारी के बाद कार्रवाई होगी। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी की जेब में पैसा हो, या शिवपुर के लिए उस जमाने में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि रेलवे लाइन आएगी, स्टेट रेलवे चलती थी ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से शिवपुर, ग्वालियर से भिंड, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज उसी ग्वालियर से शिवपुर के नैरो गेज की लाइन को नरेंद्र सिंह जी और हमने 5,000 करोड़ रुपए की सौगात से ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया है और शिवपुर से कोटा पर हमें जा रहे। ये कभी कांग्रेस करेगी? कौन सा नेता आएगा ऐसा काम करने के लिए? कौन सा नेता आपके बीच में रहेगा? कौन सा नेता आपका विकास करेगा? कौन सा नेता आपके दुख के समय में आपके साथ रहेगा? वही बात सोचकर 17 तारीख को अपना पतन गवाना। ये जो कमलनाथ जी अभी आए ना विजयपुर में, ये आदिवासियों के लिए नहीं आए, ये किसानों के लिए नहीं आए। जरा उठो ब्रिजा सिंह जी और सुनिए, ये आपके लिए नहीं आए। उधर आओ, ये आप लोगों के लिए नहीं आए।
ये गरीबों के लिए नहीं आए। समझ लो, एक बार मिल जाए तो आप लोग आए। कुर्सी देख लिया तो इन दोनों की आंखें चमकने लगी। अरे कोई कॉर्डलेस नहीं किया, चमकने लगती हैं। और कुर्सी देख लिया तो कुर्सी को देखकर और देख लेना, समझ लेना। ये बात आपको कोई बीजेपी का नेता नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके साथ समय नहीं बिताया, केवल मैंने 20 साल बिताया। कैसे बिताया मुझसे पूछना। इनकी कहानी केवल किस्सा कुर्सी का, भारतीय जनता पार्टी की कहानी, प्रधानमंत्री की कहानी, शिवराज सिंह की कहानी, नरेंद्र सिंह की कहानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी, किस्सा आपके दिल में स्थान पाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।